जीवन नश्वर है और जो इस धरती पर आया है उसे एक दिन जाना है, लेकिन कैसे जाना है ये ऊपर वाला तय करता है। आज एक दुखद खबर आ रही है। दुनिया भर में एंटीवायरस के गुरु कहे जाने वाले जॉन मैकेफी ने जेल में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली है। मैकेफी 75 साल के थे। विदेशी मीडिया की माने तो मैकेफी ने इतना बड़ा कदम स्पेन से अमेरिका प्रत्यर्पित करने के मामले में फैसला आने के बाद उठाया है। बुधवार को ही उनके वकील ने इस फैसले की जानकारी दी थी। जानकारी देते चले कि मैकेफी टैक्स चोरी के मामले में अभियुक्त थे और उन्हें अमेरिका को सौंपने के आदेश दिए गए थे। हालांकि जॉन के पास अदालती फैसले के खिलाफ अपील करने का विकल्प खुला हुआ था। मैकेफी के सुसाइड की खबर जैसे ही मीडिया में आई, जेल प्रशासन ने सफाई दी और कहा मैकेफी की खुदकुशी की जांच चल रही है और अगर इसमें कुछ गलत पाया जाता है तो दोषियों को सख्त सजा दी जाएगी। मैकेफी 1987 में दुनिया का पहला कमर्शियल एंटीवायरस बनाने से पहले कई विशाल कंपनियों में काम कर चुके थे, जैसे कि नासा, जेरोक्स, लॉकहीड मार्टिन जैसी संस्थाओं का उनके पास अनुभव था। मैकेफी ने अपनी सॉफ्टवेयर कंपनी इंटेल को साल 2011 में बेच दिया था और वो इस व्यापार से अब जुड़े हुए नहीं थे। हालांकि सॉफ्टवेयर के साथ अब भी उनका नाम जुड़ा हुआ है और दुनिया भर में इसके 500 मिलियन यूजर्स हैं। मैकेफी अपने विलक्षण प्रतिभा और वीडियो के लिए जाने जाते थे। मैकेफी को एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में एक मानक तय करने के लिए जाना जाता था, लेकिन कहते हैं ना, जब बुरा वक्त आता है तो साया भी आपका साथ छोड़ देता है। मैकेफी के साथ भी ठीक वैसा ही हुआ। उन पर टेनेसी में टैक्स चोरी के आरोप लगे, न्यूयॉर्क में उन पर एक क्रिप्टो करेंसी धोखाधड़ी के मामले में आरोप लगाए गए। जॉन मैकेफी को बार्सिलोना एयरपोर्ट से अक्टूबर 2020 को गिरफ्तार किया गया था। जॉन मैकेफी की गिरफ्तारी उस समय हुई जब वो ब्रिटिश पासपोर्ट के साथ बार्सिलोना एयरपोर्ट से इस्तांबुल जाने के लिए फ्लाइट ले रहे थे। उन्होंने 15 अक्टूबर 2020 को एक ट्वीट किया था। उन्होंने लिखा था, मैं यहाँ कैद हूँ, यहाँ मेरे दोस्त हैं, खाना अच्छा है, सब ठीक है, अगर मैं फांसी लगा लेता हूँ तो ये मेरी गलती नहीं होगी। मैकेफी पर 2014 और 18 के बीच जानबूझकर टैक्स रिटर्न दाखिल ना करने का आरोप था। उन्होंने क्रिप्टो करेंसी से लाखों की कमाई की और अपने जीवन की कहानी के अधिकार बेचे, बावजूद इसके उन्होंने टैक्स नहीं भरा, जिसका नतीजा आज दुनिया के सामने आया कि दुनिया में शोहरत की बुलंदियों पर चढ़ने के बाद आखिरकार जीवन से हार गए और अपनी जीवन लीला खत्म कर ली।